अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब हैरी ऐसे होंगे। और आज सातवां आठवां जब भी एक हफ्ता गुजर जाता है ना रमज़ान का, उसके बाद मेरी जो है ना गिनती ख़राब हो जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता कितना रोज़ है आज। फिर ताकतें जब आती हैं तो दोबारा फिगर आउट करना पड़ता है। बहरहाल जनाब, ये पहला अशरा जो है वो जाने को है, पता ही नहीं चला। इसी तरह ही हर बार रमज़ान आता भी इतनी जल्दी है कि पता ही नहीं चलता, और रमज़ान गुजर भी जाने का पता नहीं चलता। बच्चों के साथ तो बिल्कुल ही फील नहीं होता मुझे। बहरहाल जी, टाइम का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश में हूँ। जैसे कुरान पढ़ने की एक रूटीन होती है रमज़ान में, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट पहले वाला बिल्कुल भी हिसाब नहीं है। बहुत स्ट्रेच करके टाइम निकालना पड़ता है। बच्चों के साथ रूटीन इतनी रफ है कि जब पढ़ने के लिए बैठो तो नींद भी बहुत आती है, तो अजीब सा वो दिल थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं है। इस बार थोड़ा परेशान सा रहा है मेरा। अरे ये टेबल डिलीवर हुआ है आज, असद इसको खोल रहे थे। ये एटसी स्टोर से मंगवाया है। आपने बच्चों के भी टेबल देखे होंगे इसी हाइट पे है, वो भी तो असद ने अपने लिए मंगवाया, क्योंकि पहली बार तो एक टूट गया और दूसरी बच्चों के जो टेबल है वो पढ़ने वाले हैं तो वो एक साइड की तरफ जो है ना झुके हुए हैं, तो खाना खाने में जरा दिक्कत होती है। इधर कुछ प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है और साथ साथ उसको रेजन्स खिला रही हो, बहुत सारे उसके मुंह में नहीं डालने, फंस जाएंगे। व्हाई यू पॉइंटिंग एट मी? ओके ओके जी, ये दो दिए हैं। नो 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 नो, स्कूल की छुट्टियों में बच्चों की सुबह तो 8 बजे ही हो जाती थी, मेरी होश ठिकाने आ नहीं रही होती थी, लेकिन बच्चे बहुत जल्दी उठ जाते थे। फिर इनको ये होता है कि घर से बाहर निकाल दो, हमें बाइसाइकिल दे दो, तो मुझे ये होता है कि नेबर्स जो है ना वो सुबह सुबह ज़्यादा तंग आएंगे, तो सुबह सुबह मैं इनको स्कूल के काम के लिए बिठा देती थी बहुत ज़बरदस्ती सी। अब तो बच्चे नहीं पढ़ रहे थे भाई। मूसा के साथ ये इशू है कि मूसा के स्पेलिंग्स बहुत अच्छे हैं, मूसा की राइटिंग भी बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन ये जब एक ऐसे टाइप चीज़ लिखता है ना, एक टॉपिक इसको देते हैं लिखने के लिए, तो बहुत सारा टाइम लेता है। इसकी टीचर भी इसको फिर कभी कभी कंप्लेन करता है कि टीचर मुझे ब्रेक नहीं देती है, वो मुझे कहती है पहले काम खत्म करो। तो मैं थोड़ा सा इसके साथ मेहनत ये कर रही थी कि मैं इसको एक टॉपिक देती हूँ, टाइम फ्रेम देती हूँ, उसके अंदर ये ख़त्म करके लाए टू इंक्रीज हिज स्पीड। तो मूसा जो है सुबह सुबह ये काम कर रहा है। ये बच्चा जो है, इसको जबकि 2 पाँव लगे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा शरारती हो गया, बाहर भाग जाती है ये, जैसे ही दरवाज़ा खुलता बाहर निकल जाती है। ये स्कूटर आजकल इसने खुद चलाना शुरू किया हुआ है, पहले पहले थोड़ा इसको डिफ़िकल्टी हुई थी, लेकिन शी इज़ सो कॉन्फिडेंट। ये बाइक जो है मुझे मेरी नेबर ने दी थी, वो यहाँ से 2 साल पहले मूव हो गए थे ना, जब तो वो ये बाइक इनको दे गए थे। उसके बच्चे मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ हुए थे, और मेरे नेक्स्ट डोर नेबर थी वो मेरे साथ तकरीबन 2 साल रही थी, 3 साल, और 3 सालों में हमने कभी एक दूसरे को कभी विजिट नहीं किया था, कभी बुलाया नहीं था, बिल्कुल नेक्स्ट डोर था उसका, और 4 साल वो वहाँ रही थी। उस टाइम पे उसके भी बच्चे हो रहे थे और मेरे भी बच्चे हो रहे थे। जब बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो आपको पता है माँ को अपना भी होश नहीं होता, वो मुझे भी नहीं था और वो उसको भी नहीं था। हम लोग एक दूसरे से बहुत कम मिले थे, मेरे हर में 4 सालों में 2 मुलाकातें हुई होंगी, वो भी वो बिन स्टोर की तरफ बिन डालने जाती थी तो हाय हेलो हो जाती थी। अब जब से मूव हो गई हुई है तब से बहुत टेक्स्ट करती है आने के लिए। मुसलमान नहीं है लेकिन वो बहुत नाइस है। 3 बच्चे हैं उसके इसी एज के जैसे मेरे हैं। ये तो उबल नहीं रहा है इस आउटफिट के अंदर, बता जरा। लुक एट योर ग्लव्स, डिस्गस्टिंग बॉली इतने। दिखा मुझे भी दिखा, ये माहिर ने मूसा को दिया है। माय बेस्ट फ्रेंड मूसा, ही इज सो फनी, सो क्यूट, लुक एट दिस वन। ही मेड हिज रेनबो इमोजी दैट ही पुट्स इन हिज बेड। या एंड ही पुट हेड ऑन टू कैप ऑन, यू नो व्हाट आई मीन। ही डजंट। मूसा जो है यहाँ बैठ के अपने कज़न के कार्ड पढ़ रहा है और साथ थोड़ा इमोशनल भी हो रहा है। इसने ये सारे कार्ड जो है ना अपने बेड के साथ वाली जो दीवार है ना उसके ऊपर सारे चिपका दिए हुए हैं। अब मूसा जो है बंक बेड के ऊपर वाले हिस्से पे सोता है और वो असद ही साफ़ करते हैं, तो वो मुझे दिखा रहे थे तस्वीर खींच के, इसने बड़े प्यार से सारे कार्ड जो है ना वहाँ पर लगाए हुए हैं। आउटफिट इसने इतनी भी सर्दी नहीं है, ये पांडा वाली पहनी हुई है। ये आउटफिट मैंने हफ्सा की ली थी, उनका कॉस्ट्यूम डे था, एनिमल कॉस्ट्यूम डे उस दिन, और ये काफ़ी बड़े साइज़ की मैंने ली थी, लेकिन मूसा के साइज़ की बिल्कुल भी नहीं है। मूसा उसके अंदर फंस के बैठा होता है, लेकिन मूसा को ना पसीने लेने का बहुत शौक है, बहुत ठंड लगती है। इसको ग्लव्स भी पहने हुए हैं इसने, और जब मैंने इसका ये उतार के उसको बात दिया था ना, तो ही वॉज ऑल वेट, ही वॉज स्वेटिंग इन देयर। लेकिन इसको बहुत शौक है अपने आप को बहुत ज़्यादा वार्म रखने का, और इसके बाबा को उतनी चीड़ होती है जब ये बहुत ज़्यादा कपड़े पहनता है। ये जी, अब खाना पकाने का टाइम आ गया है। खाने के लिए आज जो है बैंगन का सालन बनाना है। मैं बैंगन का सालन, मेरा बड़ा मतलब सिंपल सा होता है, खुश्क सा बैंगन का सालन जो असद को पसंद है, मसाले के अंदर डाले होते हैं। मैंने इसका मैंने पहले भी बनाया था, और मेरे हाल में वो पिछले कुछ व्लॉग्स के अंदर इसकी रेसिपी भी है। कटिंग करते करते पता चला था जी, ये जो चॉपिंग बोर्ड है ना ब्लू कलर का, ये असद ने खरीदा था, और मैं जब काट रही थी तो उसके छोटे छोटे रेशे जो है ना वो सारे बैंगन के ऊपर चिपक गए थे, मुझे सारे बैंगन दोबारा धोने पड़े थे, तो मैंने वाइट बोर्ड यूज़ किया था। लेकिन मेरे जहन में एक बात बैठ गई थी कि प्लास्टिक का जो चॉपिंग बोर्ड है उसके ऊपर से कुछ ना कुछ उतरता रहता है और अंदर डलता रहता होगा, वाइट शायद मुझे इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता, और ब्लू जो है वो ज़्यादा ऑब्वियस हो गया था।
तो बड़ा डेंजरस था जी, क्योंकि पक के तो वो बेल्ट होके तो सब्जी के साथ ही शामिल होकर पेट में चला जाता होगा। तो अब जो है ना चॉपिंग बोर्ड डेफिनेटली पहली फुर्सत में मैंने चेंज करना है। बैंगन को पहले 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल यूज़ किया था। बैंगन बहुत ज़्यादा ऑयल जो है ना वो सोक कर लेता अपने अंदर, तो इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट जो है ना इसी तरह मैं कवर करके पका लेती हूँ। 12-14 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाता है। उसको निकाल के फिर मैं प्याज जो है ना उसके लिए ऑयल मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, जो ऑयल पहले से ही बैंगन का अंदर होता है उसी के अंदर मैंने प्याज को जो है ना थोड़ा सा रेड कर लिया था, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है। इसका मसाला वही टमाटो पेस्ट डाली है, नमक, हल्दी हमारी जो लाल मिर्च होती है, और गरम मसाला थोड़ा सा, जीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर डाल के ये मसाला रेडी हो जाता है। और इसके अंदर जनाब बैंगन डाल के तो अपना जो सालन है ना ये बड़ा क्विक रेडी हो जाने वाला सालन है। ये असद को बहुत पसंद है, इसके सैंडविच वगैरह भी, रैप वगैरह भी बना के उनको काम पर भी दिया करती थी पहले, लेकिन सब्ज़ी वो इसी तरह की खाते हैं, थोड़ी ड्राई सी और कोई गोश्त वगैरह अंदर ना हो, तो गोश्त हमेशा मैंने सेपरेट ही बनाया होता है। ये चॉप्स थी जी लैम की थी ये, और इनका भी मसाला मैंने बड़ा ड्राई सा रखा हुआ है, क्योंकि आज साथ उन्होंने मुझे पराठे बोले थे। सहरी में तो उसने कभी पराठा खाया नहीं है, लेकिन उनका अफ्तारी में दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं सालन कुछ ड्राई सा बना लेती हूँ। जिस टाइम पे मैं खाना पका रही थी उस टाइम बाहर असद बच्चों को एंटरटेन कर रहे थे। बच्चों को एंटरटेन करना भी जो है ना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। बाईसाइकिलें असद ने खड़ी करवाई हैं और प्लेडो दी है कि थोड़ी देर ये आराम से बैठें और शोर ज़रा पार्किंग में कम डालें। आजकल इनका जो मदरसा है वो भी ऑनलाइन चल रहा है, 4:30 से 6 बजे तक वो आती है। और ये भी पेरेंट्स ने जो है ना, उन्होंने पेरेंट्स से पूछा था कि रमज़ान के अंदर मदरसे को स्टार्ट कर दिया जाए, तो पेरेंट्स जो हैं वो एग्री नहीं थे। तो जब बहुत सारे पेरेंट्स एक साइड भी हो जाते हैं, फिर जाहिर है उस हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है टिल ईद, ईद के बाद इनका प्रॉपर मदरसा शुरू हो जाएगा, और फिर इसरा और मुसाब को कभी भी नज़र नहीं आएंगे घर। स्कूल से घर आएंगे, 1 घंटा इनको रेडी करके मैं मदरसे भेजती हूँ, मदरसे से ये वापस आते हैं, इतने थके होते हैं कि खाना खाते हैं और पता नहीं क्या देख रहे होते हैं टीवी पे और क्या नहीं देख रहे होते, और उसके बाद ये सो जाते हैं। असद जो हैं वो पहले वो टर्न उन्होंने लिया है, इनके पास वो थे, अब वो ज़रा आफ्टरनून में थोड़ी देर सो जाते हैं, ज़ाहिर रोज़ा रखा होता है, इट्स अ लॉन्ग डे। तो फिर मैं इनको देख रही थी, अब तो माशाल्लाह से जी चौथा भी बाहर चला गया, क्योंकि वो तो गेट के अंदर भी नहीं रहती है, फेंस के अंदर पहले मैं उसको रखती थी, वो अब उसको बाहर जाना होता है, उसे स्कूटर चलाना होता है, उसको हर एक्टिविटी में उनके साथ होना होता है। इसरा जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है माशाल्लाह उसका, उसके साथ साथ रहती है, स्कूटर पे चढ़ने की कोशिश करती है और हर बात भी उसकी पूरी करती जाती है। अब मैं तो इतनी देर इसको स्कूटर चलवा नहीं सकती ना बाहर, तो यूँ जब बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं ना तब मैं थोड़ा बहुत इनके पास ही बैठ के थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, दैट्स द ओनली टाइम। अगर मैं अकेली बैठ के पढ़ने की कोशिश करूँ ना फिर नींद ज़्यादा आती है, लेकिन अगर ये पास शोर डाल रहे हों तो फिर नींद तो नहीं आ सकती, इसी बहाने बंदा बाहर बैठ के इनको देख भी लेता है और थोड़ा सा पढ़ भी लेता है। खाना वगैरह मैंने बना लिया था, अभी बस इनका ये है कि इनको 1 घंटा खिलाऊंगी, जब इनकी मदरसे वो टीचर आ जाएगी उससे आने से पहले मैं इनको बाथ वगैरह देती हूँ। बाथ देने के बाद ये मदरसे का पढ़ते हैं बैठ के थोड़ी देर, और उसके बाद जो है ना 1-1.5 घंटा रात को वो मैं इनको टीवी का देती हूँ। ये टीवी पे जो भी अपना पसंद का प्रोग्राम है, इसरा जो है ज़्यादा आर्ट एंड क्राफ्ट में है, आर्ट एंड क्राफ्ट देखती है, और फिर जब आर्ट एंड क्राफ्ट करती है ना तो उसको समेटते समेटते मेरे और असद की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो वो तो वीडियो वगैरह बना रहे होते हैं और इसरा उस हिसाब से जब मैस करती है ना कटिंग करके और ग्लिटर एंड टेप्स एंड एवरी थिंग इज़ एवरीवेयर, वो देख देख के आर्ट एंड क्राफ्ट की शौक भी ज़्यादा हो गया हुआ है। तो इसरा का हर वक्त का यही काम है, बस कैंचियाँ पकड़ो, पेंस पकड़ो और कलर इधर के उधर करते रहो, इधर उधर लगाते रहो। जब हम पाकिस्तान गए थे तो असद ने सारा घर पेंट किया था, क्योंकि बच्चे पिछले 1 साल से घर थे और पेंट का उन्होंने वो हशर कर दिया हुआ था। अब जब हम वापस आए हैं इसरा ने दोबारा कलर्स पकड़े हैं। अब वैसे ही स्कूल लगने वाले हैं, स्कूलों में वो सब कुछ करवाते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट भी वहीं पे करके आते हैं, तो फिर इतना ज़्यादा इनको क्रेज़ नहीं होता कि हम घर आके दोबारा कटिंग शटिंग करें, सारे काम उधर ही पूरे हो जाते हैं। हफ्सा जो घर में प्लेडो खेलती है वो भी खेल के आती है प्री स्कूल में, रूटीन एकदम से चेंज हो जाएगी। इतनी ज़्यादा ईजी नहीं होती क्योंकि स्कूल रन होते हैं, असद जब होते हैं तो वो पिक एंड ड्रॉप करते हैं, लेकिन कभी कभी वो नहीं होते और मुझे जब 2 चक्कर इनको लाना और छोड़ना पड़ता है। स्कूल इनका थोड़ा सा दूर है यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर, और मैं वॉक करती जाती हूँ, नॉर्मल हालात में मेरे लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन रमज़ान में 1-2 बार पिछली बार इस तरह हुआ कि मैं इनको लेके आई हूँ एंड आई वाज सो टायर्ड, उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकती मैं, वो इतनी थकावट हो जाती है मुझे। तो ये जनाब हमारी हो रही है इफ्तारी रेडी, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं ज़रा फैंसी तरीके से उसे बनाऊँ, मुझे यह था बच्चे आज थोड़े से काम होकर बैठे हुए हैं, लेकिन एकदम से पता ही चला कि टाइम इतना कम रह गया हुआ था। जब मैं पराठे बना रही थी तो उस टाइम वैसे ही 10 मिनट रह गए थे खुले में रोज़ा, और बच्चे जो है ना फुल स्टार्ट हो गए थे, वो मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे असद को खाना दे के दोबारा फिर अंदर जाना पड़ना है। मैं बस जल्दी जल्दी पराठों के चक्कर में थी कि पराठे उनके पक जाएँ,
टाइम पे वो मेरे पास खड़े होकर वेट कर रहे थे, अजान हो चुकी थी, उन्होंने रोज़ा भी खोल लिया हुआ था ना, वो स्टिल गोइंग ऑन विद पराठा। इस तरीके से हमारी कुछ रूटीन चलती है, बच्चे बड़े हो जाएंगे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बल्कि स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे तो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी, उनका सोने उठने का टाइम एक हो जाता है, कोई आधा दिन वैसे घर से बाहर होते हैं, सब कुछ एकदम से रीएडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम मुझे भी लगेगा, क्योंकि बच्चे काफ़ी देर से घर हैं, बंदे को आदत पड़ जाती है, ये आप कह लें कि सुस्ती पड़ जाती है एकदम से इतनी टफ सी रूटीन के लिए उनका रेडी होना, तो क्या मुझे ऐसे लगे मुझे टाइम लगेगा रेडी होने के लिए। बहरहाल जी, ये सामने वाला जो छोटा कमरा है ये तीनों उन बच्चों के लिए है जो स्कूल गोइंग है, क्योंकि इन्होंने एक ही टाइम पे सोना होता है, एक ही टाइम पे उठना होता है। ये बड़ा कमरा है, यहाँ पे हम होते हैं और साथ हनिया होती है, इस टाइम पे रोशनी भी होती है तो ये सोने के लिए लेटते भी नहीं है, लेकिन मैं इनको ज़रा टाइम टेबल के मुताबिक ला रही हूँ ताकि इन्हें जल्दी सोने की आदत हो जाए। ये तीनों बच्चे यहाँ पर सोते हैं। ये था जी हमारा आज का व्लॉग और ये थी हमारी रूटीन। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।